वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पेपर हैकर। तो आज का क्वेश्चन है हमारा 21, ठीक है। आज हम बात करेंगे 21 क्वेश्चन की। इससे पहले हमने 20 तक कंप्लीट कर दिए हैं, सभी के बारे में एक एक करके डिस्कस कर लिया है। आज 21 क्वेश्चन है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, जिससे कि आपको सभी प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और यदि आपने लॉन्ग क्वेश्चन अगर नहीं देखे हैं तो पहले आप लॉन्ग क्वेश्चन देखिए, उसके बाद अगर आप इनको देखेंगे तो ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है बंद ऊर्जा, ठीक है, बॉन्ड एनर्जी को समझाइए। बंद ऊर्जा क्या होती है ये हमसे पूछ रहा है, तो इसको हमें समझाना है, ठीक है। बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड स्ट्रेंथ दोनों क्या है, एक ही बात है। चलिए हम बात करते हैं किस तरह से कह रहा है। एक सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो बंध बनता है उसे हम कहते हैं सहसंयोजक बंध, ठीक है। बनने में ऊर्जा का निकास होता है जब सहसंयोजक बंध बनता है किन्हीं दो परमाणुओं के बीच में, तो क्या होता है वहाँ पर ऊर्जा का निकास होता है, क्योंकि परमाणु एक स्थायी विन्यास, क्या स्थायी विन्यास में आकर अणु बनाते हैं। परमाणु आपस में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करते हैं जब उनका विन्यास स्थायी हो जाता है, जब क्या होता है वहाँ पर एक एटम बन मॉलिक्यूल बन जाता है, ठीक है। पहले एक सहसंयोजक बंध बनने में निकली हुई यह ऊर्जा बंध ऊर्जा कहलाती है, क्या कहलाती है, बंध ऊर्जा। एक सहसंयोजक बंध बनने में जितनी ऊर्जा आपकी निकलेगी वही क्या कहलाएगी, बंध ऊर्जा कहलाती है, ठीक है। और इसकी मात्रा में कह रहा है, और इतनी मात्रा में ऊर्जा उपलब्ध करवाने पर यह बंध टूटकर दो उदासीन मूलकों में, क्या, दो उदासीन मूलक बना लेता है। अब जितनी ऊर्जा बॉन्ड बनने में मतलब खर्च हुई निकली थी, उतनी ही ऊर्जा अगर हम इस बॉन्ड को दे दें तो क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा और क्या बना लेगा, ये दो मूलक बना लेगा, क्या बना लेगा, दो मूलक। एक एक्स पे आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, दूसरा किस पे आ जाएगा, वाई पे आ जाएगा, ठीक है, फ्री रेडिकल, ठीक, क्या बना लेगा, फ्री रेडिकल बना लेगा। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो किस तरह से कह सकते हैं कि एक सहसंयोजक बंध को तो बंध तोड़कर दो उदासीन मूलक को बनाने में बनाने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह क्या कहलाती है, आपकी बंध ऊर्जा कहलाती है। कोई एक सहसंयोजक बंध है उसको तोड़ने के लिए जितनी आपको ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, वही क्या कहलाएगी, आपकी बंद ऊर्जा कहलाएगी, ठीक है। जब बॉन्ड टूटेगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका फ्री रेडिकल यानी कि मूलक बना लेगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बंद ऊर्जा कितने प्रकार की होती है, आपकी दो प्रकार की होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे वियोजन यानी कि डिसोसिएशन एनर्जी की। तो बंद ऊर्जा दो तरह की होती है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले वियोजन ऊर्जा, ठीक है, वियोजन ऊर्जा यानी कि टूटना, ठीक है, डिसोसिएशन एनर्जी। कह रहा है गैसीय अवस्था में एक बंध को तोड़कर, गैसीय अवस्था में एक बंध को तोड़कर दो उदासीन मूलकों को वियोजित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा वियोजन ऊर्जा कहलाती है। अब ये ध्यान रखना है आपको, अवस्था कैसी होगी, गैसीय अवस्था होगी। एक बंध को तोड़कर क्या हो जाएगा, हमें क्या करना है, एक बंध को तोड़कर उदासीन मूलकों में वियोजित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को ही हम क्या कहते हैं, वियोजन ऊर्जा कहते हैं, क्या कहते हैं, वियोजन ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, यहाँ पर आपको दिखा दिया है H2, ठीक है, जल का एक मॉलिक्यूल ले लिया है जिसमें दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन से लगे रहते हैं। अब ये दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन से लगे हैं तो यानी कि दो बंध बन रहे हैं इसमें, एक और दो। सबसे पहले अगर हम बॉन्ड नंबर वन को तोड़ें तो यहाँ पर कुछ ना कुछ इसको ऊर्जा देनी पड़ेगी जब ये टूटेगा, ठीक है। तो एक हमने बॉन्ड तोड़ दिया है ऑक्सीजन से, ये वाला, तो एक मूलक क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन का, दूसरा किसका बन जाएगा, आपका हाइड्रोजन का बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जो ऊर्जा देनी पड़ी वो कितनी है आपकी, 118 किलो कैलोरी पर मोल, कितनी, 118 किलो कैलोरी पर मोल। अब इसमें एक दूसरा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बॉन्ड बचा हुआ है, ठीक है। इस हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी, इस वाले से जो पहला बॉन्ड टूटेगा उसमें हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, ठीक है। जो रिमेनिंग बचा हुआ बॉन्ड होगा उसे तोड़ने के लिए हमें पहले से कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अब देखो ऑक्सीजन पर कितने आ जाएंगे, दो मूलक, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर आपका पूरा बन जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन पेयर बन जाएगा। और हाइड्रोजन पर कैसा रह जाएगा, एक मूलक रह जाएगा, ठीक। तो ये दूसरा बॉन्ड तोड़ने के लिए हमें कितनी ऊर्जा की आवश्यकता हुई, केवल 100 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है, यानी कि 100 किलो कैलोरी जब हम ऊर्जा देंगे तो एक मोल बॉन्ड टूट जाएंगे आपके, ठीक। अर्थात कह रहे हैं गैसीय अवस्था में जल के अणु के पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, पहला जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन बंध था उसकी वियोजन ऊर्जा कितनी है, 118 किलो कैलोरी पर मोल है, कितनी है, 118 किलो कैलोरी पर मोल। जबकि दूसरा जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन बंध की ऊर्जा की वियोजन ऊर्जा कितनी है आपकी, 100 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है। अब इसका अगर आप औसत निकालेंगे, इसका अगर आपको औसत निकालना है तो क्या करना है, इन दोनों को आप जोड़ देना है, उसके बाद दो से घटा देना, क्योंकि दो संख्याएं हैं हमारे पास,
औसत निकालने में जितनी संख्याएं होती हैं सबको ऐड कर देते हैं, फिर संख्याओं को गिनते कितनी है उतने से ही उसको भाग कर देते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका औसत आ जाएगा, ठीक है। ये आपकी हो गई वियोजन ऊर्जा। दूसरा दे रखा है बंद ऊर्जा, क्या है, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। बंद ऊर्जा की अगर हम बात करें तो कह रहा है किसी अणु के विभिन्न बंधों की वियोजन ऊर्जाओं का औसत उसकी बंद ऊर्जा, बी लिखा है, बॉन्ड एनर्जी कहलाता है। क्या कहलाएगा, किसी अणु के विभिन्न बंधों की वियोजन ऊर्जाओं का औसत, ये ध्यान रखना है, विभिन्न औसत क्या कहलाएगा, बंद ऊर्जा कहलाता है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो कहना जल में प्रथम पहला जो आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड था उसकी वियोजन ऊर्जा कितनी थी, 118 किलो कैलोरी पर मोल, जबकि दूसरा जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड है उसकी बंद ऊर्जा कितनी, बंद की वियोजन ऊर्जा कितनी थी, उसकी थी 100 किलो कैलोरी पर मोल, कितनी है 100 किलो कैलोरी पर मोल। इन दोनों का औसत अगर हम बात करें, ज्ञात करें तो कितना आ जाएगा आपका, 109 किलो कैलोरी पर मोल आ जाएगा, ठीक है। यानी कि पहला जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बॉन्ड है इसकी कितनी थी आपकी, 118, कितनी है 118 किलो कैलोरी पर मोल है, ठीक। ये प्लस दूसरा कितना है 100, दोनों को जोड़ दो कितना हो जाएगा 218 बटे 2 भाग कर दो तो कितना आ जाएगा 109 किलो कैलोरी आपका आ जाएगा पर मोल, ठीक है। तो ये आपकी आ जाएगी औसत ऊर्जा, कितनी आ जाएगी 109 किलो कैलोरी पर मोल। यानी कि अब हम कह सकते हैं जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में दो बंध दिखाई दे रहे हैं इनकी औसत ऊर्जा हम बता देंगे, हमें पता नहीं कि इसको तोड़ने में कितनी ऊर्जा लगेगी और इसको तोड़ने में कितनी ऊर्जा लगेगी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो इसकी औसत ऊर्जा है वो कितनी है आपकी 109 किलो कैलोरी पर मोल है, ठीक है। अब इसमें से आप कोई सा भी बॉन्ड तोड़ सकते हैं, ठीक है। इसकी औसत ऊर्जा कितनी आ जाएगी 109 किलो कैलोरी पर मोल। कह रहा वो और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बंध की ऊर्जा कहलाएगी, ये क्या कहलाएगी आपके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन का बॉन्ड हम क्या कहलाएंगे, उसकी औसत ऊर्जा कितनी कहलाएगी, ये कहलाएगी 109 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है। अब कह रहा द्वि परमाणुवीय अणु डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए वियोजन ऊर्जा और बंद ऊर्जा का मान एक ही होता है। द्वि परमाणु की बात करें तो इसमें केवल आपके दो ही परमाणु होंगे, ए और बी, ठीक है। चाहे तो आप एन ए और सी एल लिख लो, तो ये इसमें कितने परमाणु है, दो परमाणु हैं, तो इनके लिए क्या होगा, बंद ऊर्जा और वियोजन ऊर्जा का मान कैसा होगा, एक ही होगा, सेम होगा, ठीक है। यानी कि डी इजकल टू क्या हो जाएगा, बी, डी इजकल टू बी, ठीक है। डिसोसिएशन एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी आपकी, बॉन्ड एनर्जी के बराबर हो जाएगी, क्योंकि इन अणुओं में केवल एक ही बंद होता है, क्या होता है, केवल एक ही बंद होता है। अब यहाँ पर देखो अगर आप बात हम बात करें NaCl, तो इसके बीच में केवल एक ही बॉन्ड होगा Na और Cl, तो एक ही बॉन्ड होगा, तो यहाँ पर हम औसत ज्ञात नहीं कर पाएंगे, केवल एक ही बंध है तो यहाँ पर औसत ज्ञात नहीं कर पाएंगे। औसत ज्ञात करने के लिए हमें दो या दो से अधिक संख्याओं की आवश्यकता पड़ती है, ठीक। तो औसत का प्रश्न पैदा ही नहीं होता है, यहाँ पर हमें औसत नहीं निकालना है, ठीक। औसत नहीं निकलेगा तो दो परमाणुओं के लिए, कह रहा बहुपरमाणु अणुओं के लिए पहले हम वियोजन ऊर्जा ज्ञात कर लेते हैं, वियोजन ऊर्जा, ठीक है। डिसोसिएशन एनर्जी पहले हमें ज्ञात करनी होगी, ठीक है, बहुपरमाणुओं के लिए। इसके लिए सबसे पहले इसके लिए हमें क्या करना होगा, उसकी दहन ऊष्मा ज्ञात कर लेते हैं, क्या ज्ञात कर लेते हैं, दहन ऊष्मा, ये आपको याद रखना है। दहन ऊष्मा होता क्या है, किसी यौगिक को ऑक्सीजन के एक मोल के अधिक में जलाने पर जो ऊर्जा में परिवर्तन आता है उसी को हम कहते हैं दहन ऊष्मा, क्या कहते हैं, दहन ऊष्मा कहलाते हैं, ठीक है। कह रहा और फिर समीकरणों की सहायता से हम क्या कर लेते हैं, उसकी संभवन ऊष्मा ज्ञात कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, संभवन ऊष्मा, यानी कि हीट ऑफ फॉर्मेशन, इसे कहते हैं निर्माण की ऊष्मा, क्या होती है, निर्माण, यहाँ पर लिखना है आपको, ठीक है। तो निर्माण ऊष्मा हम क्या कर लेते हैं, ज्ञात कर लेते हैं, हीट ऑफ फॉर्मेशन, अथवा इसके विपरीत आपको क्या ज्ञात करना है, वियोजन ऊष्मा, ठीक है, वियोजन ऊष्मा, हीट ऑफ एटोमाइजेशन ज्ञात कर लेना है। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसमें एग्जाम्पल दे रखा है मेथेन का, ठीक है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर हम मेथेन की दहन ऊष्मा ज्ञात करें तो कितनी आ जाएगी आपकी, 212.8 किलो कैलोरी पर मोल होती है, कितनी होती है, 212.8 किलो कैलोरी पर मोल होती है। और इसकी वियोजन ऊष्मा कितनी हो जाएगी आपकी, 398.0 किलो कैलोरी पर मोल। अब देखो कार्बन और हाइड्रोजन यानी कि मेथेन में आपके कितने बॉन्ड होते हैं, चार बॉन्ड होते हैं, ठीक है, कितने होते हैं,
चार बॉन्ड होते हैं। अब ये चारों बॉन्ड तोड़ने के लिए हमें अलग अलग ऊर्जाएं देनी पड़ेंगी, ठीक है, अलग अलग ऊष्मा देनी पड़ेगी जब ये बॉन्ड टूटेंगे। तो यहाँ पर आपका CH4 लिखा है, CH4 यानी कि कार्बन से हमने क्या कर दिया, चारों हाइड्रोजन को अलग कर दिया। जब कार्बन से चारों हाइड्रोजन अलग करेंगे तो कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी हमें, 298 किलो कैलोरी पर मोल। कब, जब टेम्परेचर हमारा कितना होगा, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है, मतलब रूम टेम्परेचर की बात कर रहा है यहाँ पे, इतनी ऊर्जा हमें देनी पड़ेगी। अब देखो चार बॉन्ड के लिए इतनी ऊर्जा दी है, अब हम इसका अगर औसत निकालें तो कैसे निकालेंगे, यानी कि कार्बन और एक हाइड्रोजन बंध के लिए ऊर्जा का मान कैसे निकालेंगे, जितनी ऊर्जा यहाँ पर हमने दी है उसको हम कितने से डिवाइड कर देंगे, चार से, क्योंकि यहाँ पर चार हाइड्रोजन है, ठीक है, तो चारों के लिए अलग अलग ऊर्जा यहाँ से मिल जाएगी। जब इसको आप चार से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 99.5 किलो कैलोरी पर मोल आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 99.5 किलो कैलोरी। तो हम कह सकते हैं कि कार्बन और एक हाइड्रोजन को तोड़ने के लिए हमें कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी, 99.5 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है, किलो कैलोरी पर मोल ऊष्मा हमें देनी पड़ेगी, ठीक। कह रहे बंद ऊर्जा कई कारकों पर निर्भर करती है, उदाहरण के लिए क्या आएगा आपका, त्रिविमीय प्रभाव, स्टेरिक इफेक्ट जैसे कहते हैं, कोणीय तनाव, ठीक है, एंगुलर स्ट्रेन आदि। अतः एक ही बंद की ऊर्जा का मान भिन्न भिन्न यौगिकों के लिए कैसा हो सकता है, भिन्न भिन्न हो सकता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कुछ यहाँ पर आपके एग्जाम्पल दे रखे हैं, ये टेबल आपको याद करनी है, ठीक है, किस तरह से कौन से बॉन्ड की ऊर्जा कितनी होगी। कह रहा कुछ महत्वपूर्ण बंधों की 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर बंद ऊर्जाएं क्रम अग्र सारणी में दे रखी हैं, यहाँ पर दे रखी हैं, ठीक है, कुछ ये आपके यौगिक दे रखे हैं और ये बंद ऊर्जा यौगिक और बंद ऊर्जा बंद और बंद ऊर्जा और ये आपका क्या है यौगिक। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कार्बन कार्बन के बीच में जब सिंगल बॉन्ड होता है तो इसको तोड़ने के लिए कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी आपको, 79.1 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है। कार्बन कार्बन के बीच में जब डबल बॉन्ड आ जाएगा तो कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी आपको, यहाँ पर देखो ये डबल बॉन्ड के लिए, तो यहाँ पर कैसा होगा आपका, ट्रिपल बॉन्ड होगा, कैसा होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए 194.4 और डबल बॉन्ड के लिए आपको कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी, 141.3, ठीक है, 141.3। कार्बन कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जब सिंगल बॉन्ड होगा उसे तोड़ने के लिए 76.8 किलो कैलोरी, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड होगा तो कितनी होगी, 66.5 किलो कैलोरी। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जब डबल बॉन्ड होगा तो 164, ठीक है, 164 किलो कैलोरी पर मोल। कार्बन और ब्रोमीन के बीच में यहाँ पर एक बॉन्ड होगा, ठीक है, कार्बन ब्रोमीन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो 69 किलो कैलोरी, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा तो कितनी हो जाएगी, 141.3 किलो कैलोरी पर मोल ऊर्जा हमें देनी पड़ेगी। कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो कितनी आई थी, अभी आई थी 99.5, ठीक है, जो इतनी हमें ऊर्जा देनी पड़ेगी। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बात करें तो कितनी आ जाएगी, 110.6 किलो कैलोरी। कार्बन और सल्फर के बीच में बॉन्ड की बात करें तो 64 किलो कैलोरी पर मोल ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। कार्बन और क्लोरीन के बीच में अगर हम बॉन्ड की बात करें तो 78.3 किलो कैलोरी पर मोल ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। और कार्बन और आयोडीन तो इसमें कितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, 50.1 किलो कैलोरी पर मोल ऊर्जा की हमें आवश्यकता यहाँ पर पड़ेगी, ठीक है। तो ये तो थी टेबल, ये आपको याद करना है, ठीक है, कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो याद कर लेनी है, यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में जब सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो तो कितनी ऊर्जा लगेगी, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कितनी ऊर्जा लगेगी, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन नाइट्रोजन, ठीक है, ये आपको 3-4 याद कर लेनी है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है, जिससे कि आपको सभी प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।